सो हेलो भारत के नागरिकों, केम छो शुभम शाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम मनी ब्लॉग। सो गाइस, आज है 13 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 8:25। तो आज है संडे, तो मैं निकला हूँ एक छोटा मोटा संडे राइड के लिए। सोलो राइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है आप लोग के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो एकदम सिंपल है। भाई ने बहुत सारा मॉडिफिकेशन की रखी है अपने बाइक में। सो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है इस बाइक में। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था अबाउट पल्सर 125, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एंड आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे। सो बहुत कुछ मॉडिफाइड है, तो एक अच्छा खासा लोकेशन देख के फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है इस R15 वर्जन 3 में। सो गाइस, अभी हम थोड़ा कंफ्यूज है कि हम मेघालय की तरफ जाए या असम साइड के तरफ ही रहे। नहीं, मेघालय नहीं जाते आज, थोड़ा इस साइड जाके, क्योंकि मेघालय जाने से मुझे नंगफू जाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नंगफू मैं रिटर्न नहीं हो पाऊँगा, मुझे मन को शांति नहीं मिलेगी, तो जिसके कारण आज हम मेघालय नहीं जाएंगे। आज हम लोग जाएंगे, देखते हैं, जागीरोड अगर हो पाता है पॉसिबल तो मैं जागीरोड जाऊंगा। सो लेट्स गो एंड मेक सम क्रिएटिव व्लॉग। तो गाइज, अगर मैं बात ना करूं तो मोटो व्लॉगिंग में उतना मज़ा नहीं आएगा, आप लोग को थोड़ा बोर सा लगेगा। तो चलते चलते बात कर लेते हैं जब तक हम लोग लोकेशन की तरफ नहीं पहुंचते। सो थैंक यू गाइज लास्ट वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। विद इन 5 to 6 days इट रीच अराउंड अप्रॉक्स 1.6K व्यूज़। एंड भाई जल्दी जल्दी से कर दो गाइज, और 12 सब्सक्राइबर्स चाहिए 500 सब्सक्राइबर होने के लिए। तो गाइज जल्दी जल्दी कर दो, बिकॉज आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर। अगर आप वो देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से कर दो भाई लोग एंड उनके बहन लोग, जल्दी जल्दी से कर दो 500 सब्सक्राइबर। सो मॉर्निंग में राइड करने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि रास्ता खाली मिलता है और अगर ऐसा वेदर मिल जाए तो क्या कहने, क्या कहने। सो गाइज, आप लोग को एक चीज़ शेयर करना मैं भूल ही गया। मैं, रोहित भाई, शुरुजीत और मेरा एक कज़िन है, उनका नाम भी रोहित है, तो हम चारों एक राइड का प्लान बना रहे थे टूवर्ड्स लाइटलूम, और वन नाइट स्टे करने का भी प्लान है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो एक छोटा मोटा 100 to 105 किलोमीटर का एक राइड हो जाएगा। तो गाइस, 19 अक्टूबर को एक इवेंट होने वाला है फ्रॉम सेटवेट। इट्स अ सेकेंड एपिसोड ऑफ सेटवेट। फर्स्ट हमने किया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। तो उसके लिए एक मीटिंग होने वाला है 15 अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को होने वाला है। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट, और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड जो इवेंट होने वाला है, मतलब वही यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इवेंट होने वाला है सेटवेट का, अगर मौका मिले तो मैं व्लॉग ज़रूर करूँगा। सो
गाइस अभी मैं रुका हूँ खेतरी के आसपास, तो अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट करूँगा बाइक के ऊपर। अगर वो फ़ोटो आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देन जाके फ़ोटोज़ चेक करना। एनीवेज अभी थोड़ा फ़ोटोशूट करेंगे, दो तीन फ़ोटोज़ लेंगे, फिर और आगे जाएंगे। आगे जाके मैं फिर से आप लोग के साथ बात करूँगा और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे छोटा मोटा गड्ढा था, बट पीछे जब मैं आ रहा था तब मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, मेरा कैमरा बंद किया हुआ था। तो जब मैं पीछे से आ रहा था वहाँ पे तो बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे थे, यहाँ पे तो छोटा छोटा गड्ढा है। एनीवेज गवर्नमेंट को ये सब चीज़ देखना चाहिए कि हाईवे के बीच में ऐसा बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। कुछ हुआ है शायद, ओए होए कुछ तो हुआ है। ए लफरा लगी से, ओए लफरा। आज का दिन बहुत ही सुंदर है, राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैन यू सी द माउंटेन गाइस? मुझे पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट वाओ मैन वाओ, जस्ट सी द व्यू गाइस, जस्ट सी द व्यू, जस्ट वाओ। पहुँच ही गए थोड़ा और बाकी। अरे सो गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लोकेशन मिला है हाईवे पे, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे पूरा जंगल, और मैं अभी हूँ जागी रोड पे। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन की रखी है अपने भाई ने, सुरजीत भाई ने। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि RVM चेंज किया हुआ है, ये स्टॉक वाला RVM नहीं है, इसमें इंडिकेटर जो लाइट होता है वो लगा हुआ है विथ कार्बन फिनिश। आप देख सकते हो ये रहा विंगलेट जो कार्बन फिनिश से बना हुआ है। तो ये रहा विंडशील्ड जैसा कि आप देख सकते हो, लीवर गार्ड जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा लीवर गार्ड और ये ब्रेक लीवर। क्लच लीवर भी लगा हुआ था लेकिन वो टूट गया था तो इसलिए स्टॉक वाला लगा दिया। और ये रहा फ्रेम स्लाइडर, एकदम सिंपल सा फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है। और पीछे जो हमने लगाया था टेल टाइडी वो हमने खोल दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ उछलता है जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्पेशली बारिश के दिन में। तो इसलिए हमने जो मार्गर था वो फिर से इंस्टॉल कर दिया। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये जो इंडिकेटर है ये है KTM का, मतलब KTM का जो इंडिकेटर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टॉक वाला जो, मतलब R15 का जो स्टॉक है। हमने लगाया इंडिकेटर स्पेशली फॉर R15 version 3। और तो सुरजीत भाई ने जितने भी मॉडिफिकेशन की रखी है अपने बाइक में सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसका भी मैं, ये जो मार्कर है वाइट कलर का जो मार्कर मैंने यूज़ किया टायर के लिए, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह अभी यहाँ पे थोड़ा चिल आउट करते हैं। और मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, मतलब मेरा राइडिंग पार्टनर है आज के लिए, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन करता है, वो है ये। दिस इज़ द मिनी स्पीकर जो मुझे राइड पे बहुत ही ज़्यादा आनंद देता है। तो ये रहा, इसको अभी मैं बजाऊंगा, थोड़ा गाना वाना सुनूंगा और इस जगह को एंजॉय करूंगा, फ़ोटोशूट करेंगे। अगर वो फ़ोटो आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फिर फोटो देखना, लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो या अभी थोड़ा चिल आउट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं टूवर्ड्स होम। सो गाइस फ़ोटोशूट कर लिया, वीडियो भी बना लिया, अभी देखते हैं अगर आसपास कोई ढाबा मिलता है तो थोड़ा चाय पियेंगे क्योंकि विदाउट चाय मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो भूख भी लगा है थोड़ा थोड़ा क्योंकि ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया था मैं। तो एनीवेज चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं और मेरा भाई विशाल, मेरा कज़िन, हम दोनों ने एक प्लान बनाया और एक प्लान बनाया कि हम लोग जा रहे हैं जोरहाट बाइक लेके। मोस्ट प्रोबेबली अगर बाइक लेके जाते हैं तो एक अच्छा खासा मोटो ब्लॉगिंग हो जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा मोटो ब्लॉगिंग। मतलब मैं काम से जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए जोरहाट, तो जाते जाते एक मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाएगा और आते वक्त भी एक मोटो ब्लॉगिंग होगा। तो होप सो कि
वो दिन जल्दी आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंडिंग में या फरवरी के स्टार्टिंग में मैं जोरहाट जा रहा हूँ। और गाइस अगर ढाबा मिल जाए और उसमें अगर चाय मिल जाए कड़क मसालेदार तो यार मज़ा ही आ जाएगा, मतलब चार चांद लग जाएंगे। अभी देखते हैं का अच्छा चाय मिलता है। सो गाइस एक रेस्टोरेंट मिला है, सुरभि होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे चाय पीते हैं और गुवाहाटी की तरफ निकलते हैं, क्योंकि और भी एक प्लान है। अगर वो हो पाता है तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को दिख जाएगा, अगर नहीं होता है तो यार नॉर्मली जो व्लॉग होता है वही होगा। अभी देखते हैं, चलो मैं चाय पीने के बाद आप लोग के साथ मिलता हूँ। चाय पानी पी लिया, अच्छा था सुरभि होटल एंड रेस्टोरेंट का चाय, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी जाके सुकून मिला सुबह को। अभी टाइम हो रहा है 10:05 और बढ़ रहे टूवर्ड्स गुवाहाटी। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, अभी मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी की ओर। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हिट दी लाइक बटन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हिट दी सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ, डोंट फियर द फियर, इट्स योर लाइफ, मेक इट बेटर। बूम।